अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। कौन है भाई? मुझे क्यों मार रहे हो? सेट ये है। कौन हो तुम? चल अंदर। बात करो। चल। ये ले फोन लगा और बोल कि 10 मिनट में मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए। तू जिसे चाहे फोन कर, ले पकड़। ये पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? जब से सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने तो झूठ बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हम जैसे लोग तो कंगाल हो गए ना। पैसे कहाँ है? फिर मैंने सोचा चलो 10-10 रुपए ही बैंक में जमा करूं, लेकिन अब मला तुझी स्टोरी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तेरे को क्या लगता है कि मैंने सिर्फ तेरे को ही किडनैप किया है? अब तक माजी पूरा तेरे घर तक पहुंच गए होंगे। सुन ले। सुनिए जी, कुछ गुंडे घर पे आ गए हैं। अगर तूने 10 करोड़ दिले तो तेरी बाई को जिंदा रहेगी, बताइए ना। नहीं तर ये ले, बोलना ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। मैं तो कहता हूं उसे मारी। कौन सा पागल आदमी अपनी पत्नी को बचाने के लिए 10 करोड़ देगा? प्लान जबरदस्त है, मैं तो कहता हूँ मारी दीजिए। तमाशा करने का? सच में मार डालूंगा उसको। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वैसे भी उसका 15 करोड़ का इंश्योरेंस है, अगर वो मरी तो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। इस काम के मैं आपको 6,000 रुपए कमीशन भी दे दूंगा। अच्छा 10,000। ये तो हमसे भी गिरा हुआ इंसान है। किसके आदमी होंगे? एक्सक्यूज मी सर, आप अपना कोड भूल रहे हैं। सर, आप अपना बैग भूल गए हैं सर। वॉशरूम जाना है। अलाउड नहीं है सर, ये साथ में ले जाइए। सॉरी। नमस्ते साहब जी। क्या मुकेश, मैंने सुना कि फैक्ट्री का वो प्रोग्राम तो काफी शानदार था। हाँ। और किसी ने ये भी कहा कि गारमेंट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ सर, आपके छोटे भाई की पत्नी जिन्होंने इतने सालों से कंपनी को चलाया, अब सारी जिम्मेदारी अपने काबिल बेटे को दे दी। और तो और सर, इस साल तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 16% बोनस भी दे रही है। अच्छा, और वो किस खुशी में? क्योंकि फैक्ट्री इस साल बहुत फायदे में है, इसीलिए। अरे दिमाग खराब हो गया उसको जाकर सर। और अगर किसी साल कंपनी घाटे में चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वर्कर्स को उनके काम करने की तनख्वाह दी जाती है। कोई भी फैसला करने से पहले वो हम बड़ों से सलाह नहीं कर सकती क्या? छोड़ो मुझे, जाओ जाओ। अभी उसे बहुत गुरूर है ना फैक्ट्री का, लेकिन ये सब मेरे भाई का किया धरा है, समझा क्या? और जा, वो किसी काम की नहीं। ये लोग जानते नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ। अब देखना ऐसी चाल चलूंगा कि पूरी बाजी पलट जाएगी, सारे देखते रह जाएंगे। थोड़ा सो जाइए, इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है आपकी कमजोरी क्या है और आप शांत कैसे होते हैं। उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। फिर से चलाओ।
1600 रुपए हुए सर। मेरे पास छोटे पैसे नहीं है सर। कोई बात नहीं, रख लो। रहे उन 48 दिनों तक किसी भी हालत में तुम्हारी असली पहचान कोई भी जान न सके। दो दिन से भोजन नहीं किया साहेब। साहेब, अरे भगवान के नाम पर अरे दे दो। अरे पैसा नहीं है तो मैकडॉनल्ड का कैश कूपन दे दो, हम जाके खा लेंगे। और हाँ, रिक्शे का पैसा भी दे दीजिएगा, पर्स निकाल रहा है। सारे पैसे ले लो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ भीख मांगने बैठूंगा। सब रख लेना, इसे शेयर कर लेना। एक दो तीन चार 4500 रुपए हैं। 4500 रुपया? वो पुलिस वाला बाका? मुझे नहीं पता वो पुलिस वाला है कि क्या है, लेकिन आज अपनी किस्मत खुल गई। उदय कांटी बुला रहा है। ए रुको, ए क्या कर रहा, हट दो, मेरा ऐसा दो मुझे। क्या है? कुछ नहीं, सॉरी। चलो जाओ। क्या है, क्या चाहिए? पेपर। पेपर चाहिए, ले ले पकड़। दिक्कत वो नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं अपने आदमियों को भेज के सब ठीक कर दूं। तूने उसे सब बता दिया ना? भाई मैं कुछ मदद करूं भाई? ए! अब तेरे जैसे लोग मेरी मदद करेंगे, तू मुझे जानता नहीं क्या? आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रहा है मुझे? चल निकल यहाँ से। भगवान दे दे। हे, ओ ये तो वही दानवीर साहब है। अरे साहब आज आप यहाँ कैसे आ गए? ए बड़ो, हम कहले रही ना एक नंबर के बुड़बकबा। का बे पापा मम्मी डांट दिन ले तो पैसे लेने वापस आ गई का? देखो जो भी पैसे और सामान यहाँ पर दिए जाते हैं उनके वापस मिलने की गारंटी नहीं है, अब जाओ यहाँ से। हाँ, नो एक्सचेंज नो रिफंड, ओनली इनकमिंग नो आउटगोइंग, यू गॉट इट? 10 रुपीज पुट इट, नाउ गेट आउट। कल कहा था ना मैं तुम्हारे साथ भीख मांगना चाहता हूँ। तो फिर तू हमरे साथ भीख मांगना चाहता? काहे? 1 करोड़पति, ये सीबीआई एफबीआई किसी का भी आदमी हो सकता है। लगता है यहाँ पर ये किसी को ढूंढने आया है। कहीं ये हमनी की खटिया न खड़ी कर दे। बैठने देते ना इसको, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमको ही पकड़ कर लेते। इससे खुद को बचा कर रखना। सही कहा तड़ा। सुनो, नो फ्लैशबैक, ड्यूटी ज्वाइन करा, इला तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। बैठा, चलो बैठ जाओ। ओ नवाब की औलाद, कहो तो तुम्हारे लिए हम मखमली सोफा मंगवा दें। बैठ जमीन पर, अपनी शक्ल दिखा। अभी भंसाली यहाँ पर आके तुझे अपनी फिल्म का हीरो बना देगा। हमारी तरह बन जाए तभी जा करके लोग तुझे भी पैसे दिया करेंगे। ओ कुबेर, मेकअप किट निकाल।
क्या बात है, मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए। ज्यादा अच्छा ना कर, नहीं तो हमके भीख ना मिले। मुंह बंद कर अपना। अब बन गया भिखारी। राजेश, सिद्धू, क्या खबर है? चाचा कुछ चक्कर चला रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो फैक्ट्री बेचने में लगे हैं। तुम कहाँ हो सिद्धू? सिद्धू, सिद्धू, राजेश को फोन किया था? हाँ सर, कर दिया। आप कुछ लेना चाहेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं मीटिंग अटेंड करने आया हूँ, जाओ जाकर वैल्यूएशन पेपर लेकर आओ। ठीक है सर। ये बॉक्सिंग चैंपियन और शेफ? सर ये लीजिए फाइल। वो क्या है ना, सिद्धू को इटालियन खाना बहुत पसंद है, उसने बेस्ट शेफ का अवार्ड भी जीता है। सेठी जी, तुम जाकर अरुल से खुद ही बात करो। जी बिल्कुल सर। एक बात बताओ। मैं सिद्धू को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सर वो क्या है कि एक्चुअली राजेश, मैं उसका चाचा हूँ, मुझे नहीं बता सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है सर। क्या वो फिर से मलेशिया गया? हाँ सर, मलेशिया गए हैं सर। नंबर दो, सेठी को कुछ जरूरी बात करनी है। सर हम उन्हें कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ वो कर सकते हैं। ऐसे कैसे? तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? वो अपना नंबर तो दे सकता। सर मिस्टर सिद्धार्थ यही मिलेंगे ना, उनका पासपोर्ट रिन्यू होकर आ गया है। पासपोर्ट? हाँ सर। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। अगर उसका पासपोर्ट रिन्यू होकर अब आ रहा है तो पासपोर्ट के बगैर वो मलेशिया कैसे जा सकता है? वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नहीं जानते हैं, ये फोन जिनका है वो यहाँ रास्ते पे बेहोश पड़े हैं। रिसीव्ड नंबर देखकर आपको कॉल किया। यहाँ क्लॉक टावर के सामने हूँ मैं, और यहाँ पास में ही वाइन स्टोर भी है। अरे बिंदु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं माँ, ये देखो बेचारा बेहोश पड़ा है, इसकी भी फैमिली होगी ना, इसे कुछ हो गया तो। ये देखो बच्चों के लिए किताबें लेकर जा रहा था, वो भी वेट कर रहे होंगे ना। सर, सर कुछ भीख दे दो। पहले तुम दो ना। सर मैं खुद गरीब हूँ सर, कुछ पैसे दे दो सर। पहले तुम दो, उसके बाद मैं दूंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सर। झूठ मत बोलो, तुम्हारे होठ तो गुलाब जैसे हैं। सर। क्या बे? सॉरी सर। अरे सिद्धू, अंग्रेज आयल बाड़ा, डॉलर मिली डॉलर राजा। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। पैसा मिल गई ना, चुप हो जा, रिक्शा में बैठ के साथ जाई बका। नहीं
मैं तो थैंक यू। अरे ये अंग्रेज बाड़ा हमरा के बहुत लूट ले बा, रहम करे के जरूरत नहीं के, मांगा। गिरिजा क्या है? सुन मैं डॉलर लेके आया हूँ। डॉलर? $25। मैंने अपना कमीशन काट लिया है, बाकी के पैसे पकड़। एक दो तीन चार पाँच छ, ये ले तेरे हिस्से के 300 रुपए। अब हमारे 600। ये ले। मुझे एक शर्ट खरीदनी है, इससे बहुत बदबू आ रही है। आजा, ये देखा, ये हमारा शाबा कोनो माल से कम नहीं खे। ये देखा हमार शोरूम। तोरा के बुशर्ट चाहिए ना? ये देखा सब एक से एक बा, तोहर साइज का बा? मेरा साइज तो देखा भाई, तोहरा के बुशर्ट पहन के कौन सा ऑफिस जाए के बा? भीखे तो मांगे के बा ना। और सुना, ज्यादा स्मार्ट दिखबा ना तो भीख भीख ना मिली, फिर का करबा? लेकिन हम जो काम करते हैं वो। अरे एक बात बता, तू क्या सोचता है हमारे काम के बारे में? तुझे क्या लगता है हम पूरा दिन पूरी रात सिर्फ दो चिल्लर पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं सड़कों पर? कोई डॉक्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सारा दिन अपने पेशेंट को सुई चुभोता रहेगा। समझने की कोशिश करो, जैसे 8 घंटे ऑफिस में नौकरी करने के बाद कोई अपने घर जाता है, कोई पीने के लिए बार में जाता है, और कोई लड़की के साथ डेट पर चला जाता है, वैसे ही हम भिखारियों की भी जिंदगी है। 8 घंटे के बाद हमारी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है। इला दोस्त, हमारे ताड़ू नजर कहत भाई बुशर्ट तोहरा के बराबर आई, ना आई तो वापस कर दे बा, हम कहां भागे जा रहल बानी। थैंक यू। I'm so sorry. वो मैं एक मक्खी मारने की कोशिश कर रही थी, पर गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। ये देखिए मक्खी। It's okay. I'm extremely sorry. No problem. आपने अभी तक अपने हाथ नहीं धोए? जब चले जाओगे तो फिर से मुझे मक्खी मारनी है, सोने से पहले धो लूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं सर, आप मेन्यू देखिए, तब तक मैं हाथ धोकर आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, यस, वन मिनी वेज पिज्जा। ठीक है सर। गर्ल्स, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, माँ आखिरकार कस्टमर आ ही गया। यस यस यस, ओके ओके, मैं काम करने जा रही हूँ। पता है, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर आज कस्टमर आ गया तो मैं भगवान को 100 रुपए चढ़ाऊंगी। ओके, मैं चढ़ा कर आती हूँ, ठीक है? हाँ? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? उस कंजूस ने ऑर्डर किया 75 रुपए का छोटा वाला पिज्जा, और तुमने भगवान जी को 100 रुपए चढ़ावे में चढ़ा दिए। ओके 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 ओके, चाहे एक ही सही, हमारे पास कस्टमर तो है। चलो काम पे लग जाओ। चलो चलो, क्विक 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 क्विक। अरे अब क्या करेंगे, बॉस भी अपने को ऐसे लटका के चला गया, अब हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिन मेरा वेट कर रही होगी। भाई तूने फिरंगी पटा ली क्या? तो क्या सिर्फ तेरे लिए होती है क्या? मतलब अबे जिन दारू की बात कर रहा हूं मैं। जरा वहां तो देख। छोटे, अगर तेरे पास 100 रुपए हैं तो तू भगवान को कितने पैसे चढ़ाएगा? मेरे पास 1 लाख होगा ना तो भी 1 रुपए ही चढ़ाऊंगा। और इसने भगवान को 500 रुपए चढ़ाए हैं, ये बहुत अमीर होगा, जरूर इसके जेब में बहुत माल है।
ए, चल 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? ऐसे क्या घूर रहे बे? हमने तेरी पूरी ज्यादा थोड़ी मांग ली है। चल तुझे 10% डिस्काउंट दिया तो 900 रुपए निकाल दे बेटा। मेरे पास जो पैसे थे वो सब मैंने भगवान को दे दिए। भगवान को? हाँ। ए, सारे पैसे भगवान को चढ़ा देगा तो क्या खाना भीख मांग के खाएगा? हाँ सर। ए, तू हमें पागल समझता है क्या? तू क्या खर्चा पानी, चल पैसे निकाल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, भीख मांग कर जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे खर्चा चला लेता हूँ, बाकी के पैसे भगवान को चढ़ा देता हूँ। वो क्या है ना कि कल कुछ विदेशियों ने मुझे डॉलर दिए थे तो मैंने उन पैसों से एक शर्ट लिया और बाकी के जो पैसे। आप उनके सामने बकवास बंद कर, समझाना। ए, देख क्या रहा है, डॉलर पाउंड जो भी है निकाल ले। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं है। निकालता है कि तू एक सर भाई, इसके पास पैसे तो नहीं लेकिन एक जबरदस्त माल की तस्वीर मिली है, ये तो बिल्कुल सर वो वापस दे दीजिए प्लीज। ला इधर दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जब साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही है तो छोटे कपड़ों में तो धमाल कर देगी, आग लगा देगी आग। माफ कर रहा भाई, छोड़ मुझे। गलत पंगा ले लिया क्या? दोबारा नहीं। Welcome, sir. Thank you. Rajesh, I will be coming there shortly. हाँ, वही आ रहा हूँ. I'll call you back. हाँ, माँ. खाना खाया बेटा?
हाँ माँ, फ्लाइट में ही खा लिया था। ठीक है बेटा, जरा फोन ड्राइवर को देना। माँ, वो आपकी बात नहीं टालेगा। उसे क्या अपनी शामत बुलानी है? अगर मैं उसे कहूंगा तो भी वो गाड़ी की स्पीड को 60 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, घर जाकर आराम करना। उसकी जरूरत नहीं है माँ, मैं सीधे प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। ठीक है, रखता हूँ माँ। तुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखाई दी? सर, सॉरी सर, आप ही ने अचानक ब्रेक लगा दिया था। तुम पागल हो क्या? दो गाड़ियों के बीच में गैप होनी चाहिए, इतना भी तुम्हें पता नहीं है क्या? आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं पे कर दूंगी। ओह, कितना पे करोगी? कितना पे करोगी? ये मर्सिडीज है, इसे क्या अपनी खटारा स्कूटर समझ रही हो जो 1500 में निपट जाओगी? बेंज है ये, बेंज। इस कार की सर्विसिंग के लिए 25,000 रुपए लगते हैं। दे पाओगी उतना? बोलती बंद हो गई, दे पाओगी उतना? बड़ी आई, हमारा सिस्टम ही गलत है जो तुम जैसे गरीब लोगों को हम जैसे शाही लोगों के रास्ते पे चलवाते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं। चलो जाओ, जाओ जाकर अपना पिज्जा डिलीवर करो और 10-10 रुपए की टिप लो और उसे अपना घर चलाना, बेवकूफ कहीं की। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है? हाँ है ना। तो जाकर क्लेम कीजिए ना, अगर पैसे आए तो दूसरों को नीचा दिखाओगे? आप कह रहे थे कि आप अमीर घराने से मर्सिडीज में घूमोगे, तो क्या शाही घराने के हो गए? मर्सिडीज के हाईएस्ट मॉडल की कीमत क्या है? 3,65,00,000 प्लस GST। ये गाड़ी सिर्फ 70,00,000 की है, समझे? और आपको लगता है आप शाही घराने के हो? PY, पॉन्डिचेरी रजिस्ट्रेशन। बस 3,00,000 रुपए बचाने के लिए आपने एक फेक आईडी बनाकर रजिस्ट्रेशन करवाया और इस स्टेट में बिना रोड टैक्स के ही गाड़ी चला रहे हो। और तुम शाही घराने के हो? शाही घराने के लोग कभी किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करते। ये गाड़ी कैश देकर ली थी या इस पे भी लोन लिया है आपने? चलो आरसी बुक दिखाओ। वाह, इतनी गर्मी में भी बिना एयर कंडीशन के गाड़ी चला रहे हो? क्यों, पेट्रोल बचाने के लिए है ना? आपको गाड़ियों के बारे में कितनी जानकारी है, क्या बात है। आप काम क्या करते हैं सर? इसे शेयर कर लेना। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के बड़े व्यापारी वाले। शेयर मार्केट में होके भी गाड़ियों की इतनी जानकारी, क्या बात है। चलिए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेला लगा है क्या? चलिए निकलिए। थैंक यू। आप उस दिन रेस्टोरेंट आए थे, याद है आपको? हाँ। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? सॉरी, मैं फोन नहीं यूज करता। टेक माई नंबर, वी आर कोलीग्स। ओके। 9944-5367। ड्यूटी टाइम में फोन जिन करवा ना, तो फोन ना उठाए। गुड गर्ल, गधी बा। इसलिए बार बार इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। थू बेटा, किस्मत से आज तुम यहाँ थे हमारे साथ। चलो लड़की, चलो। चला गया वो, चला गया, शांत हो जा। चल सिद्धू, चलो सोने चलते हैं। चलो सिद्धू।
तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो? पागल ना होते हुए भी दुनिया के सामने पागलपन का नाटक करना बहुत मुश्किल होता है ना। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, पर इतना जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो, तुम बस पागल होने का नाटक कर रही हो, ये मैं जान गया हूं। ये ले भाई। क्या ये? मेरी एक भिखारी ने जम के पिटाई की है, इस बारे में तू किसी को नहीं बताएगा, इसकी कसम खा। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसी वैसी गुप्त बातें छुपाने में मैं एकदम माहिर हूँ। तुम्हारी पिटने की बात मैं लोगों को बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ देखो शंकर, इस पे विश्वास मत करो, ये गिरगिट है, रंग बदल देगा। मुझे नहीं लगता इसके पेट में कोई बात पचेगी, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी। लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। अगर पब्लिक को पता लगा कि हमें एक भिखारी ने धो डाला तो पब्लिक को छोड़ो गली के चूहे भी हमसे नहीं डरेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम कसम खाओ। हाँ कसम खाओ। इस मंदिर में मुझे मजा नहीं आया, बेवड़ों के मंदिर में चलते हैं। बेवड़ों का मंदिर? और निकल गया, अरे खत्म हो गई। अब तो कसम खा ले। ए, क्या बार बार कस्टमर केयर की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मेरे सामने तुम लोग भिखारी से पिट गए, मतलब ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा, ना आड़ा कहूंगा ना सीधा कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। कसम खा रहा है कि नहीं? खाऊंगा, सेम ब्रांड है ना, मंगा देना एक प्लीज। मेरे पास अब और पैसे नहीं है, अगर तुझे पीना है तो इसमें से पी ले। हाय, तुमने मुझे समझा क्या? शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ये शेर बियर नहीं पिएगा, विस्की पिएगा। जाओ ले आओ, जाओ मेरी वाली, मेरी ब्रांड विस्की। सुनो पैसे दो। मेरे पास अब और पैसे नहीं है। ये क्या है? दे दो, कल वापस कर लूंगा। नहीं है ये ले, जा ले गया। चला अभिया, किसने फोन किया? हेलो। सुनो अभी जो हमने ब्रांड लिया था ना, उसी ब्रांड का एक और क्वार्टर दो। सुनो हाँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका बुरा मत मानना। अरे थोड़ी शर्म तो करो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और कोई नहीं मिला तो भिखारी से मार खा के आ गए तुम। हाँ और उस बात की पार्टी कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। सच में? सही है। अरे भाई, अरे भाई छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़, अरे निकल यहाँ से, चल ना। अरे भाई छोड़ ना यार, क्यों मार रहे हो उसे? भाई पहले फोन उठाना। क्यों 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 आ जाने मन, बोलना। अरे अपने बॉस के साथ हूँ। शर्म नहीं आती तुमको? मेरे पैसे चुराए तुमने और झूठ भी बोलते हो, और उन पैसों से पार्टी कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। भिखारी से मार खाने के बाद भी इन्हें पार्टी करने की हिम्मत बची है? पार्टी? आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे खोया जाता है। क्या हुआ भाई? तूने तो कसम खाई थी चुप रहने की, पर पूरी दुनिया में तूने ढिंढोरा पीट दिया। साइन कर दिया ना आपने? हाँ कर दिया। उनके पास चले जाइए। ओके सर। कहाँ है वो लड़की? वो वहाँ बाहर है सर, उन लोगों ने यहाँ फ्री में एडमिशन दिया है, तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह ले जाऊंगा। ए नर्स आ रही है, होशियार रहना। गीता नाम के पेशेंट के साथ आप ही है ना? हाँ। आइए मेरे साथ। आओ आ जाओ। ये इसका बेड है, हर शनिवार पेशेंट से एक घंटे के लिए मिलने का वक्त दिया जाता है, आप चाहे तो आकर मिल सकते हैं। ओके यस। वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है? इसके पिताजी खेती करते थे,
खेती के काम के लिए उन्होंने लोन लिया, लेकिन फिर बाढ़ आने की वजह से वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एटीएम में वॉचमैन का काम किया। एक दिन एटीएम में चोरों से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। इस तरह अनाथ हो जाने के बाद दुनिया से बचने के लिए वो पागलपन का नाटक करने लगे। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये किस लिए? तुम इतना महान काम जो कर रहे हो ना, बस इसलिए। वैसे देखा जाए तो तुम भी महान हो। वो कैसे? जब सारी दुनिया अपने अपने काम में लगी है, तब तुम अपना काम छोड़ के एक बेहोश आदमी के घर पर फोन करके उसकी जान बचाती हो, इसलिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एमएनसी से बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए, लेकिन मुझे जॉब करनी ही नहीं थी। मैं और मेरी फ्रेंड्स ने मिलकर एक पिज्जा कैफे खोलने का सोचा, लेकिन हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था। पिज्जा का आटा तो फ्रीजर में पड़े पड़े सड़ने लगा था, इसलिए हम लोग ऐसे सेंटर्स में जाते हैं और लोगों को फ्री पिज्जा खिलाते हैं। खैर जो भी हो, इस महीने हम हमारी शॉप बंद करने वाले हैं। वो क्यों? कोई कमाई ही नहीं हो रही। तुमने तो देखा था ना उस दिन, मैं मक्खियां मार रही थी। और देखो, हमारे रेस्टोरेंट में सालों के बाद एक कस्टमर आया था, उसे भी पीट दिया। बिंदु, तुझे ये लड़की पसंद है? She's good, ma. और भी बहुत सी लड़कियों की फोटोज हैं, चाहो तो सारी देख। माँ, नहीं माँ, I feel she is my girl. सिद्धू, ये देखो, बिंदु, तुम मानोगे नहीं पर मुझे भी यही पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसका नाम भी लिख लिया था। गुड चॉइस। ये रेस्टोरेंट बंद करने का आइडिया ड्रॉप कर दो। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में हर रोज आऊंगा। वाह वाह, तुम्हारे 75 रुपए के मिनी पिज्जा से पूरा रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। बिजनेस के हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत होगी। मैं कस्टमर बन के नहीं आऊंगा, एक शेफ बन के आऊंगा। चलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जाओ जाओ, साहब को कागज दिखाओ, जाओ। ओ स्टॉप स्टॉप। अरे नहीं, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया मैंने। एक मिनट रुको, मैं बात करके आता हूँ। अभी आया सर वो इंश्योरेंस। चलो 100 रुपए निकालो। सर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है सर। ए क्या रे, तेरे पास 100 रुपए भी नहीं है? हाँ, भिखारी है क्या तू? हाँ सर, मैं भिखारी हूँ। क्या भिखारी है तू? ए सुबह सुबह मैं ही मिला मजाक करने के लिए। मजाक नहीं कर रहा सर। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ए कांस्टेबल इधर आ। सर 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 सर, इसकी गाड़ी जमा करो। इस पर भरोसा कीजिए सर, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। मैंने आपसे भी कई बार भीख मांगी है सर। मेरे से? हाँ सर। कहाँ पर? आप उस कृष्ण मंदिर में आते हैं ना हर रविवार को पूजा करने के लिए, पूरी भक्ति से प्रार्थना करते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर उठक बैठक निकालते हैं, फिर एक कोने में बैठकर रोते हैं, फिर अपने आंसू पोंछकर आप मंदिर से बाहर निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर बाहर आकर सिर्फ महिला भिखारियों को ही भीख देते हैं, और फिर किसी हीरो की तरह। ए, समझ गया, मैं मान लेता हूँ कि तू भिखारी है, पर ये लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड? हाँ। तेरी? हाँ? मैं 45 साल का हूँ, लेकिन इतने सालों में मुझे एक भी लड़की नहीं मिली। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मंदिर जाके कृष्ण भगवान से भीख मांगता हूँ। क्या आपके पास तो इतनी गोपियाँ थी, मुझ पर भी तो दया कीजिए। आप समझा सर, इसीलिए आप लेडी भिखारियों को भीख देते हैं? हाँ भाई, उनमें से अगर किसी एक की भी दुआ मुझे लग जाए तो मेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी। तू बड़ा नसीब वाला है कि तेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं। चल तू जा अभी। सर आपकी टोपी, चलता हूँ सर। ए मेरे पे दया आ रही है क्या? चली गई यहाँ से। ठीक है सर। ये क्या, मान गया वो? ऐसा क्या कह दिया तुमने? कुछ नहीं, बस उसको आईना दिखा दिया। चल ये देखो, ये बिल्डिंग बिल्कुल रास्ते के अंदर में है, सर्वे नंबर 241। ये बहुत छोटी फैक्ट्री है, इसकी कीमत 48 करोड़ है, और ये
सर्वे नंबर 241A, 241B, ये दोनों हैं बड़ी फैक्ट्रीज, 217 crores, और ये दोनों प्रॉपर्टी सेल के लिए है। मैं बहुत ही जल्द ये दोनों प्रॉपर्टी अपने भाई के बेटे से खरीदूंगा, लेकिन बगैर सामने आए, और तुम ये सारे पेपर सेठी के नाम पर तैयार करोगे, ओके? ओके सर, मैं दोनों लोन्स अपने बैंक से ही सैंक्शन करूंगा, वो भी जितने जल्दी हो सके। अरे पगले, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, पहले उस छोटी फैक्ट्री का जो रास्ते के बाजू में है, सबसे पहले उसी फैक्ट्री का लोन सैंक्शन करो। दोनों बड़ी फैक्ट्रीज के सर्वे नंबर के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी निकाल कर पेपर्स को रोक दो। अगर हम फैक्ट्री खरीदते हैं तो फैक्ट्री का एक्सेस लॉक रहेगा, और इस फैक्ट्री के आसपास रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, इसीलिए इस फैक्ट्री के अंदर माल लाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। और फिर देखना, इस फैक्ट्री के जितने भी पैसे मांगूंगा मुझे मिलेंगे। जैसा आप सही समझो। वैसे मैंने पिछला लोन सैंक्शन किया था, उसका मुझे कमीशन नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कोई अंतर नहीं होता, रिश्वत तो सभी लेते हैं। ये कमीशन बस उसके लिए है, घोटाला बिल्कुल मत करना। जा। ठीक है। साहब, क्या हो गया? किस बात का मातम मना रहे हैं? हाँ, एक बात बोलूं? मुंह से बोलना, हाथ से नहीं। अरे लातों के भूत बातों से नहीं समझते, तो सुन। जिस वक्त मेरे भाई की तबीयत खराब थी और उसके पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे, तब वो अपना घर और अपनी फैक्ट्री मुझे 10 लाख में देने को तैयार था कि नहीं? लेकिन उसकी औरत की वजह से मेरे सारे प्लान पे पानी फिर गया। लेकिन आज वो मौका मुझे वापस मिल गया, क्योंकि वो औरत किसी काम की नहीं रही। समझा कि नहीं कथे? अब मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में लेनी पड़ेगी। और तू मुझे कह रहा है कि मातम क्यों मना रहा हूँ मैं? मारते हो पापा। चाहे जो भी हो, प्रॉपर्टी तो लूंगा, पहले फैक्ट्री पे कब्जा करूंगा और फिर घर पे। लेकिन उन पेपर्स पे साइन करने के लिए सिद्धू का होना जरूरी है। ये सिद्धू भी कहाँ है पता नहीं। तुझे नहीं पता? उसका फ्रेंड कह रहा था वो शेयर मार्केट में काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे लगता है वो किसी और पिज्जा शॉप का शेफ हो सकता है। हाँ सही कह रही है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी देख के तो ऐसा लगता है कि वो कलाकार होगा, जैसे एक कवि या चित्रकार। तुम्हें क्या लगता है? वो क्या है ना कि मेरी सहेलियाँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम क्या काम करते हो। मैं, हाँ, अरे मैं नहीं पूछ रही, वो लोग पूछ रही थी। काम कुछ भी करो, लेकिन इंसान तो अच्छा ही होना चाहिए ना। अच्छा, एनीथिंग एल्स? अच्छा सिद्धू, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं 6 बजे। ठीक है। वैसे तुम काम क्या करते हो? तो फिर उसने क्या कहा? अगर इस सवाल का जवाब दिया तो मुझे 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए तुम मुझसे फिलहाल कुछ मत पूछो। मुझे तो ये आदमी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो तुम समझ के करोगे भी क्या? मैं समझ रही हूँ ना, काफी है। अगर उसे अपना काम इतना ही पसंद होता तो वो मुझे खुशी खुशी बता देता। मुझे तो लगता है कि वो अपनी जॉब में फंसा हुआ है और उसे वो जॉब पसंद नहीं। या तो हो सकता है कि वो कोई छोटी मोटी जॉब करता हो, और हो सकता है कि अपने खर्चे के लिए कुछ और काम भी करता हो। कम से कम भीख तो नहीं मांगता ना। अच्छा, अखबार बेचे वाला के अखबार वाला बोलल जाला, जो दूध बेचे ला ओकरा के दूध वाला बोलल जाला, जे भीख देत बा ओकरा के भिखारी बोले के चाहिना। हमरा के काहे भिखारी बोलल जाला? ये ठीक है? एकदम ठीक है। दोस्त, तू अभी तक रेडी ना होला, देर हो रहल बा। मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ। देखो मेरे भाई, तुम हमारे बैच के सबसे होनहार भिखारी हो। तुम्हारे होने से हमारा बिजनेस भी अच्छा चलता है, इसीलिए अब चुपचाप हमारे साथ चलो और हम भी तुम्हारे पीछे चुपचाप चलते रहेंगे। हाँ, हम सब तैयार हैं, चलो भाई। देखा, इनके नाराज नहीं करा, हमारे खातिर नहीं तो इनके खातिर चला। देखो ना कितना बुढ़ा गया है, और ज्यादा दिन बचे वाला भी नहीं है। एक टांग कब्र में और दूसरा केला के छिलका पर। चला ना भाई, नहीं तो देर हो जाई। वहाँ ब्याह में लड़की भी हुई ना, ये तो खाली ड्यूटी टाइम खातिर बा। सीक्रेट। तुम दूल्हे की तरफ से हो कि दुल्हन की तरफ से हो? क्या? नमस्कार। हाँ नमस्ते। कैसे हैं सर? सब ठीक है ना? हाँ। आप विदेश से कब आए? माँ कैसी है आपकी? ओह सॉरी, समझ गया।
मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने दोस्तों के साथ आए। अच्छे से खाना खा कर ही जाइएगा, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। आइए सर। हाँ, खाना कहाँ? अरे चलिए ना, आइए। अरे सीट खाली है, यहाँ भेजो किसी को। ए, इनको मिठाई नहीं दी? हाँ, चलो दो, दिल खोल कर खाइए। हाँ, हाँ। अरे इनकी थाली खाली है, दाल लेकर आओ, जाओ। अरे इधर भी दो ना। का दोस्त, इतना अच्छा खाना पड़ा है सामने, उसको छोड़ के का सोच रहे हो? चिकन खाना है का? लगता है मैंने इसे अपने शहर में कहीं देखा है। ए, सब्जी लेकर आओ रे। ये मंजुनाथ ऑयल मिल का मालिक है ना? कौन वो आदमी? पापड़, पापड़ लेकर आओ। ये ऑयल मिल का मालिक लगता है, दिमाग खराब है तेरा। वो भी भिखारी है, 2011 बैच का। वो जो बस स्टॉप के पास मंदिर है ना, वही उसका ऑफिस था। अच्छा, ये वो है? क्यों भाई, उस आदमी को तुम जानते हो क्या? उसको देखकर लग रहा है कि वो तो लड़के वालों की तरफ से है। उनमें से कुछ तो भिखारी दिख रहे हैं, उन्हें अंदर किसने आने दिया? ए भिखारी लोग, उठ जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? भिखारी कहीं के? शादी के घर में क्या चोरी करने आए थे? सर सर, वो लोग खाना खा रहे हैं सर, खाना खाते समय उठाना नहीं चाहिए। ये लोग चुपचाप यहाँ से जाएंगे या धक्के मार कर निकलवा दूं? ठीक है सर, थोड़ी देर रुक जाइए सर। ठीक है, माफ करना मेरे भाइयों, आप लोगों को इसी वक्त जाना पड़ेगा। जाइए जाइए। चलो तुम भी भाई। भिखारी कहीं के? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे हिम्मत तो देखो इन चोरों की। क्या कहा तुमने? तुम लोग चोर हो मैंने कहा। अरे सर सर, रुक जाइए सर, सर रुक जाइए प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने गलत किया सर, आपने जो किया सही किया। पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे इन लोगों ने, इसलिए इस जन्म में सब भिखारी बन गए। आप जैसे बड़े लोगों के साथ बैठकर खाना ही तो खा रहे थे ये लोग। इन्हें सिर्फ मारना नहीं चाहिए, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हमारे भ्रष्ट नेता पूरे देश की दौलत खा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई आवाज नहीं उठाता, पर इन गरीबों ने दो निवाले क्या खा लिए, इनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सब तो पुण्यवान लोग हो, आप सबके लिए ये बस एक थाली खाना होगा, पर इनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, इनकी भूख का इलाज है, जो इन लोगों को हमेशा नसीब नहीं होता। इस बूढ़े आदमी को आपने ऐसे मारा जैसे कोई आपका दुश्मन हो। एक बात याद रखिए, आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, और वो भी परमानेंट दुश्मन। वो दुश्मन भूख है सर, भूख है, और उसी दुश्मन को बस कुछ देर के लिए हराने के लिए ये लोग यहां आए थे। अगर हो सके तो इन्हें माफ कर दीजिए सर। चलिए हम चलते हैं। सर आइए। वैसे आप कौन हैं? भाई और बहनों, अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कंपनी आप सभी का स्वागत करती है। अब मैं इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अन्नपूर्णा सक्सेना जी को माइक पर बुलाना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। नमस्कार। आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। वैसे तो ऐसी बातें ऑफिस में की जानी चाहिए या फिर लॉयर या ऑडिटर के सामने की जानी चाहिए, लेकिन आज मैं ये बात अपने सारे एम्प्लॉयज के सामने कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा बेटा सिद्धू सिद्धार्थ, उसने अमेरिका से पढ़ाई की है और अब वो पढ़ाई खत्म करके इंडिया वापस आ गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अन्नपूर्णेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी जिम्मेदारी अब उसे देने जा रही हूँ। आओ सिद्धू। मैं भी इन्हीं में से एक हूं, भिखारी। आइए। Thank you.
यही था वो, बहुत उड़ रहा था वो दिन। अरे उसने मेरे को बहुत मारा, पता है तुझे? उसको छोड़ने का नहीं। सर लड़ाई पहले इन लोगों ने शुरू की थी सर, और आज देखिए मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आए सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर, आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं सर। तू कहता है तो चल मैं पूछ लूंगा। ए, इसे किडनैप करके एक चिल्लर भी नहीं मिलेगा। मेरे कहने पर तुझे ऊपर से नीचे तोड़ने के लिए ये लोग यहां पर आए हैं। मैं भी तो यहां तोड़ने के लिए ही आया हूं। मैं भी ये जानना चाहता था कि इन सब के पीछे कौन है, इसीलिए मैंने मार खाई और यहां तक चला आया। अब मैं उन्हें नहीं मारने वाला हूं, अब सिर्फ तुम्हें पीटूंगा, वो भी बुरी तरह से। इसने ऐसा कहा है कि ये सिर्फ मुझे मारना चाहता है, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। चल आज के आज फैसला हो ही जाए कौन किसको मारता है। ए, सब पीछे जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। सुधर जा। और हो सकता है कि अपने खर्चे के लिए कुछ और काम भी करता हो, कम से कम भीख तो नहीं मांगता ना। क्या बहन जी, त्योहार का कोई ऑफर नहीं है क्या? हाँ है ना, इडली पे सांबर फ्री है। हाँ, बहुत जल्दी अंबानी बनोगी तुम। हाँ, खाना बहुत टेस्टी था। अगर पेट भरा हो तभी अंदर की आत्मा तृप्त रहती है। सिद्धू, तुझे फिर कोई याद कर रहा है? ऐसे ना होला बड़ा हूँ, अगर ये सब सच होत ना तो अभी तक तो सनी लियोनी हिचकी ले लेके मर गई होत। हम अगर के दिन रात याद करेली ना। अच्छा तो मैं ये कह रहा था, सिद्धू देख मैं कह रहा था ना।
तुझे क्यों इश्की आ रही है, तुझे कौन याद करेगा, अब चल यहाँ से। चलना बुढ़ाऊ, हमार लाइफ में भी लड़की आई देखी। हाँ ठीक है। बिंदु बिंदु, मैडम उसे कुछ दे दीजिए वरना वो छोड़ने वाला नहीं है आपको, मांगते ही रहेगा आपसे। ए! ऐसे घूरो मत मुझे, अगर मैं तुमसे गुस्सा हूं तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छे! जरा अपने कपड़े तो देखो, देखो मेरी बात समझो, तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ रेस्टोरेंट में काम करो, कैश डिपार्टमेंट संभाल लो, वो भी ना पसंद हो तो मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन भीख मांगना छोड़ दो सिद्धू प्लीज। सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? तुम मुझे भी नहीं बता सकते? उन 48 दिनों तक किसी भी हालत में तुम्हारी असली पहचान कोई भी जान न सके। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओह, तो मैं तुम्हारे उतने करीब भी नहीं? मैं ही पागल हूं, बिना कुछ जाने समझे कि तुम कौन हो तुमसे प्यार कर बैठी। मेरा मतलब है कि एक अच्छे दोस्त की तरह। हाँ सही है, तुम मुझे कुछ भी कैसे बता सकते हो, हम ना तो स्कूल फ्रेंड है ना ही कॉलेज फ्रेंड है, तुम तो मुझे अपना भी नहीं मानते कि कुछ बताओगे। बाय। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहीं तुम सीबीआई ऑफिसर तो नहीं हो? कोई इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट असाइनमेंट तो नहीं चल रहा? ऐसा कुछ नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम भिखारी हो, अब उठाओ से और जाओ यहां से। धन कुबेर। हाँ बड़ो। इस त्योहार के मौसम में धार्मिक स्थलों पर हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तैयार रहो, एक हफ्ते हम वहीं पर गुजारेंगे। हाँ तो ठीक बाना, फ्लाइट के टिकट बुक कर लेते बानी। आमतौर पर नवरात्रि के मौके पर दर्शनार्थियों की तो भीड़ लगी रहती है, वो भी माता के दर्शन के लिए, लेकिन इस बार इस पर्व के मौके पर भक्तजनों की भीड़ कुछ ज्यादा ही उमड़ पड़ी है, सैकड़ों की संख्या में महिला भक्तजन मंदिर में आई हुई है। तो आइए पता करते हैं कि महिलाओं की इतनी भीड़ किस वजह से इस मंदिर में आई है। हमारी संवाददाता सुनैना सीधा मंदिर से हमसे जुड़ रही है। जिस कंपनी में ये सारी औरतें काम करती हैं, उस कंपनी की मालकिन काफी दिनों से बीमार है और कोमा में है, इसीलिए ये सारी महिलाएं यहाँ उनके लिए प्रार्थना करने आई हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या अन्नपूर्णेश्वरी देवी से काफी करीब है? इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। हाँ तो आप बताइए। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। मेरे भाई को हमारी मैडम ने उसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा जहाँ से उनके अपने बेटे ने पढ़ाई की है। क्या सच में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है? सिर्फ इनका भाई नहीं, वो तो अपने हर एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स को समझती है और फिर उसका सलूशन भी देती है। बहन जी। हाँ। आप कैसी हैं मौसी? ठीक हूँ। तुम्हें याद है ना ये कौन है? हाँ बिल्कुल, ये तो मीनाक्षी मौसी है ना। अरे वाह, क्या बात है बेटा, मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ। बिल्कुल मौसी। आओ, ये सारी मशीनें अभी आई हैं। अम्मा, टोटल मशीनें। ललिता। हाँ मैम। तुम्हारा बेटा रो रहा है, जाओ जाकर देखो। ठीक है मैम। सुनो ललिता। हाँ मैम। हम दिन रात इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, इसलिए जब बच्चा रो रहा हो और माँ तब भी काम कर रही हो तब कोई मतलब नहीं बनता। जाओ उसे चुप कराओ, काम बाद में करना, जाओ। जी मैम। क्या हुआ बेटा? माँ की याद आ रही थी। चुप हो जा, क्यों रो रहा था? क्या हुआ बेटा? आ, 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 आ,
जरा मेरे साथ आओ। 6 महीने हो गए हैं लेकिन तुम्हारी माँ के कोमा से बाहर आने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गलत मत समझना सिद्धू। मुझे नहीं लगता इनका इलाज करके कोई फायदा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि अब तुम इन्हें अपने साथ घर ही ले जाओ। आखिरी समय में ये घर पर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। फैसला तुम्हारा है। सुनो लड़के, हट जाओ वहां से। वहां से हट जाओ, मत बैठो वहां, हट जाओ। वापस चाहिए? चाहिए। क्या तुम अपनी माँ के लिए धन दौलत नाम आराम ताकत सब छोड़कर एक आम आदमी की जिंदगी जी सकते हो? वो माँ जिसने तुम्हें ये जीवन दिया और इस दुनिया में लेकर आई, उस माँ के लिए तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। तुम्हें सब छोड़कर पूरे 48 दिनों के लिए एक भिखारी की जिंदगी जीनी होगी और उन 48 दिनों में कोई भी तुम कौन हो ये ना जान पाए, ना ही तुम्हारे भिखारी बनने की वजह। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान दे पाओगे? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी स्वामी जी? अगर मैंने ऐसा किया तो तुमसे तो भीख शब्द भी बोला नहीं गया। सोचो कि 48 दिनों तक तुम एक भिखारी की जिंदगी कैसे जियोगे? तुम्हें क्या मिलेगा ये चिंता का विषय नहीं। विषय तो ये है कि तुम्हें चाहिए वो पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम भी अपने माँ से वैसा ही प्यार करते हो तो तुम वही करो जो मैं कहता हूं। और याद रहे, उन 48 दिनों में किसी भी हालत में तुम्हारी असली पहचान किसी को भी पता न चल पाए। तुम लोगों से भिक्षा मांगोगे, थोड़ा अपने लिए रखना और बाकी के बचे हुए पैसे प्रतिदिन भगवान को चढ़ाना। हर सुबह तुम्हारे हाथ खाली रहने चाहिए। कर पाओगे? माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जान देकर भी उसकी जान बचाऊंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ औरतें क्यों आई हैं? क्या उनकी कंपनी में कोई मर्द काम नहीं करता? मैडम का बेटा अभी शहर में नहीं है, इसलिए सारे मेल एम्प्लॉयज को ही कंपनी का काम देखना है, इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ नहीं आए हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, जिनको लगता है कि फैक्ट्री तो बस बोनस, काम, पैसा इन्हीं सब चीजों के लिए होती है, तो वो गलत है। ये फैक्ट्री मिसाल है जो मालिक और एम्प्लॉइज के बीच पारिवारिक रिश्ता बनाए रखने में विश्वास रखती है। हेलो हेलो राजेश। सिद्धू, मैंने वर्कर्स को अभी टीवी पर देखा है। मैं सोच रहा था कि मैं सारी फैक्ट्रियों को बेच दूंगा, लेकिन अब मुझे उनके लिए कुछ करना है। हाँ सही कहा तुमने, हमें कुछ करना ही चाहिए। क्या रे सेठी, क्या मांगा तुमने भगवान से? फैक्ट्री के जल्दी रजिस्ट्रेशन की प्रार्थना की या बीवी से छुटकारा मिल जाने की? दोनों में से कुछ नहीं। आप जो कमीशन देते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस यही मैंने मांगा भगवान से। फोन आया। चलिए। सेठी, मैंने अभी अभी सिद्धू को देखा भीख मांगते हुए। मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रहा हूं और तुम अपना मुंह सुजाए खड़े हो। किसका फोन था? फैक्ट्री मैनेजर राजेश का फोन था। क्या कह रहा था? सिद्धू ने दोनों ही फैक्ट्रियां बेचने से मना कर दी हैं। मना कर दी है? और वो यहाँ भीख मांग रहा है। मुकेश, हाँ? इसे कार में रखना। ठीक है साहब। मुकेश जरा इधर आओ। अब क्या हो गया? अरे फल गिनती करना भूल गया। तीन सेब है, तीन नारंगी है, दो अनार है, 17 केले हैं और एक माला भी है। अगर एक भी फल गायब हुआ ना तो तुझे दुनिया से गायब कर दूंगा। चल निकल, आदत नहीं छोड़ेगा ये। सेठी, चल जरा मेरे पीछे आ। उसे यही तो देखा था। कहाँ? तुम उधर जाकर देखो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। और दे दो भाई। माँ माँ कुछ दे दे, माँ माँ दादा कुछ दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अरे मिला क्या? नहीं सर, नहीं मिला। अचानक कहाँ गायब हो गया? आपने उसे सच में देखा था या भ्रम हुआ था आपको? भ्रम के चक्कर में कहीं तुझे ही न मार दूं मैं दुश्मन समझ के। पागल लगता हूँ क्या मैं? चल यहाँ से। पागल कहीं का, करोड़पति आदमी भीख क्यों मांगेगा? दो वजह हो सकती है सर, या तो उसने कोई मन्नत मांगी है या तो फिर वो पागल हो गया है। मन्नत तो है ताकि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अच्छा, इस तरह की मन्नतें कितने दिनों में पूरी हो जाती है? वो कुछ लोग 48 दिनों के लिए और कुछ लोग 108 दिनों के लिए अपनी अपनी मन्नत के हिसाब से पालन करते हैं। क्यों, आप भी करेंगे क्या साहब जी? यही है, और इसके साथ एक लड़की भी है, दोनों के दोनों मुझे चाहिए। क्या लगाया ले रे? हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि वो सारे मरीज पागल है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो उनपे सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, विदेश से अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं। मैंने उन्हें उनके गलत एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते सुना है। उन्हें लगता है मैं पागल हूँ तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। विदेश में आविष्कार की हुई नई नई दवाइयों का प्रयोग वो मरीजों पर करते हैं ये देखने के लिए कि उन दवाइयों का रिएक्शन क्या होता है। मुझे भी कई बार ओवरडोज दिया गया है। हर रोज इन मरीजों को एक नई बीमारी हो जाती है और कभी कभी तो वो तड़प तड़प के मर भी जाते हैं। पकड़ो उसे। ये रहे 50 लाख एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। इन लोगों को और कोई नहीं मिला? अगर आपने इसे मार दिया ना तो इतने ही और दूंगा। हुँ।
अतबागा, इस चिंदी चोर ने अपनी बीवी के समय एक रुपया नहीं दिया। चमारी, अब ये कंजूस एडवांस वादे पैसे देते है। कौन है वो परगा? एक ही दिन के अंदर ये डॉक्टर उस मक्खी चूस ने एक ही आदमी की सुपारी दिली। तुम में से कुणाल माई देगा भाई, इसको सूर्पनखा बनाने वाला वही है। सूर्पनखा? चमारी मोटा गुंडा असल तो कहाँ का है? हितला है, मद्रास साहेब, बिहार से? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मंजरे भिखारी है। क्या भिखारी? ए सुन रे, एक भिखारी ने अपने फौरची ये हालत कर दी, देख रहे तू? उसी समय उसकी चटनी बना दी होती, मैटर खत्म। भाई हाँ, ये क्या खत्म करेगा, खुद ही खत्म होते होते बचा है। तेरे को पता है मैं साहब क्यों बुलाता हूँ? बोलना, तुम ही बोला रे। आप अगर काम से बाहर गए हो तो यही हमारा बॉस होता है, इसलिए एकदम करेक्ट। लेकिन आज से इसको साहब नहीं, साहिबा बुलाने का। अरे बोले ना, साहिबा। सही बोला, साहिबा, एकदम करेक्ट। तेरे को मालूम मैंने तेरा नाम साहिबा काय को रखा? गुंडा बनने के लिए मर्दन की चाहिए होती, तेरे में नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, यही रख दो, मैं बाद में देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। अक्षरा, एक वेजीज एक फ्राइज। हाँ ठीक है, विद चीज। ओके। देखो अगर तुम उसे भूल नहीं पा रही हो तो तुम भी जाओ और प्लेटफॉर्म पे बैठकर भीख मांगो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं रही मुझे गुस्सा उस पे आ रहा है कि खुद पे आ रहा है। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, गुस्सा भी आ रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है। ए सुनो, इधर आ, अपुन के बॉस ने तुम लोग के लिए बिरयानी भेजला है, मौज करो। ए खाना आया है हमारे लिए, खाई जाए। वो जो बिना हाथ वाले से बात कर रहा है वो वही है भाई। आवा खाला खाला। अच्छे है, बहुत अच्छे। ये पूर गए क्या? ये रहा 50 लाख एडवांस। अगर आपने इसे मार दिया ना तो इतने ही और दूंगा। भाई इसे हमें अभी खत्म कर देना चाहिए। आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की तूने? बनाइस कौन रे तू? भिखारी हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। माजा पर अनवर एक भिखारी हाथ उठाएगा? बता कौन है तू? अरे बोलना कौन है, कौन तू? उन 48 दिनों तक किसी भी हालत में तुम्हारी असली पहचान कोई भी जान न सके। बताएगा तो बच जाएगा, नहीं बताएगा तो फट जाएगा। अपन एकदम दान छुरे। अरे बोलना नाइल, कौन रे तू? कौन है, कौन है तू? माझ्या पोरांवर हात उचलणार? हाँ
साहिबा, इसको हो जाएगा ना तो फिर इसको मारने का और पता लगाने का या आखिर है कौन, बाकी सब मैं देख लेगा। करे पुतले की तरह क्यों खड़े, मार खाने का डर लग रहा है क्या? चल जा तलबान। वो लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, अगर मैं आप लोगों के साथ रहा तो आपको भी खतरा होगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं खुद तुम लोगों को कांटेक्ट करूंगा। गीता, तुम्हें जो समझाया था याद है ना? इसे न्यूज चैनल लेकर जाओ, मैं चलता हूँ। ओके दोस्त, ये हमारा फोन अपने पास रख ला। थैंक्स, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। राजेश, अगले 48 दिनों तक मैं शहर में नहीं रहूंगा, मेरे वापस आने तक माँ का ख्याल रखना। बिंदु, एक सवाल पूछना है, तुम लोगों ने सेल्फी क्लोज आने के बाद ली या फिर सेल्फी लेने के बाद क्लोज आ गए? ए, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। रुको 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 रुको, उसका नाम क्या है? सिद्धू। सिद्धू, और पूरा नाम है सिद्धार्थ सक्सेना, अन्नपूर्णेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक और इकलौता वारिस। अभी हाल ही में विदेश से MBA कंप्लीट करके आया है। मैट्रिमोनियल साइट पर लिखा था मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने उसे 7-8 महीने पहले ही तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, कोई रिप्लाई ही नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। तीन गुंडे आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, हमने कहा हमें कुछ नहीं पता तो हमारी ऐसे हालत कर दी। हमने कुछ पैसे जमा किए थे जिससे कोई छोटा मोटा धंधा कर सके, लेकिन वो लोग वो भी ले गए। भाई, कैसी लगी फिल्म? मेरे को तो बहुत मजा आया। यही लोग थे ना वो? हाँ यही है, अब तो मस्त खाना खाना है जाके घर में। अरे हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को लूटने की? बोल, पैसे वापस कर, वापस कर। तू भी दे, निकाल पैसे, निकाल पैसे। ये लो, भगवान तेरा भला करे। ये लो, अब जाओ यहां से। चलो।
कर डालो इसको। राजेश, माँ, माँ बस अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, उनका बचना मुश्किल है। सिद्धू, घर वापस चलो। क्या सोच रहे हो तुम? अब सोचने का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। ओह, मैं भी मिलकर आ रहा हूं स्वामी जी से। मैं सब जानता हूं सिद्धू, उस स्वामी ने ही तुम्हारा दिमाग भटकाया है। अच्छा, अगर भीख मांगने से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती तो भिखारी कभी बीमार नहीं पड़ते और दुनिया में कभी हॉस्पिटल्स नहीं बनते, सारे लोग भीख ही मांग रहे होते। ए, इस तरह रहने से मां कैसे ठीक हो जाएंगी? मैं नहीं जानता राजेश, सबको लगता है कि अगर उनके पास पैसा हो तो वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत जल्द हकीकत से रूबरू करा दिया। पैसों से आप सोने के लिए गद्दा खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। जब डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने, सब लोगों ने हार मान ली थी, तभी मुझे ये पता चल गया। मेरे पास पैसे तो हैं, पर उनसे मैं अपनी मां की सांसें नहीं खरीद सकता। कम से कम मेरे विश्वास ही मेरी मां को बचा ले, ऐसा मुझे लगता है राजेश। अगर मैं ये कोशिश नहीं करता तो जिंदगी भर इस अपराध के बोझ के तले रहता। पागल, पागल, इतने पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। देखो सिद्धू, तुमने इतने दिनों तक कष्ट झेला, अगर ठीक होना होता तो मां में थोड़ा सुधार तो आता। बोलो क्या हुआ? उल्टा उनकी तबीयत और खराब हो गई। समझने की कोशिश करो, इस आखिरी समय में तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। मेरे साथ चलो। एक विश्वास ही तो है मेरे पास, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं होती। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस स्वामी जी की बात मानकर तुमने अपनी माँ के साथ आखिरी वक्त नहीं बिताया तो तुम्हें इसका पछतावा रहेगा। तभी वही स्वामी जी तुमसे कहेंगे, मौत तकलीफ नहीं होती, मौत तो इंसान के लिए मुक्ति होती है। मैंने तुमसे भीख इसलिए मंगवाई ताकि तुम मौत से डरना छोड़ दो। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया, तुम्हारी मां को। राजेश, बस एक रात की बात है, कल सुबह 11 बजे मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लिया। तुम अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हो ना? मुझे पता है कल तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी, इसलिए ये वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। कल तुम्हारी तपस्या का आखिरी दिन है ना? इसलिए मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है ना मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना? मैं जानता तो वो भिखारी नहीं है, भिखारी लोग ऐसा नहीं होता। अन्नपूर्णेश्वरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी है वो, करोड़पति करोड़पति है वो। मेरे आदमियों को भिखारी बनके बॉक्सिंग के शॉट मारता है, अतबक मैं उसको नहीं छोड़ेगा, उसकी लाइफ लाइन काट दूंगा मैं। आ
आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, उसको वापस करोड़पति बनने में अभी 12 घंटे बाकी है, त्याचा आधीच हम उसे मौत की नींद सुला देंगे। ये साहिबा, अब हमें क्या करना है जानता है ना तू? अगर उन दोनों को आज गुंडे पकड़ने में कामयाब नहीं होते हैं, तो हम बहुत बुरी तरह से कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। अंदर तुम्हें इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम मिलेंगे, मैंने उन्हें फोन पर सारी बातें बता दी हैं। तुम अंदर जाकर उन्हें पैसे दे दो, मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सुनो, उसकी फोटो है ना तुम्हारे पास? हाँ है सर। अच्छा एक बात याद रखना कि इंस्पेक्टर को ये नहीं पता है ये करोड़पति है, तुम भी उसे मत बताओ। ठीक है सर, वैसे भी पुलिस वालों से बचना चाहिए। क्या है? कुछ दे दो। ये क्या कर रही हो? भीख मांग रही हूँ, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो। दीदी कुछ दे दो भाई। कौन है ये लोग? इनके पास भीख मांगी तो इन्होंने मुझे मारा था। तुम दोनों कौन हो? लवर्स। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं एक सेल्फी ले लूं? हाँ, 100 रुपीस। 100 रुपीस? हाँ, फेसबुक में लाइक्स और कमेंट्स चाहिए हैं या नहीं? 50? ओके ओके। तुम्हारी ये तपस्या कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी परेशानी के दिन अब खत्म होंगे और फिर तुम मैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कल मैंने वॉइस मैसेज भी तो भेजा था। वॉइस मैसेज कब भेजा था? कल रात मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त से बात करते हुए सुन लिया था। चल जल्दी खत्म कर दे, यही मौका है तेरे पास, मार। तू मर्द है तो पहले मर्द की तरह लड़। ए,
मैं इससे एक लड़ाई हार गया तो तूने मेरा नाम सीधे साहिबा रख दिया, लेकिन इससे अकेले लड़ने की बजाय तुम भी तो अपने टट्टुओं के साथ यहाँ आ गए। इसने खाना नहीं खाया, ये कमजोर है और तुम लड़ रहे हो। अरे कैसे मर्द हो। तुम्हें पता है उस दिन ये कैसे अपने हाथ खोल के भाग गया था? मैंने सिर्फ बांधने का नाटक किया था, असल में बांधा नहीं था। अगर हिम्मत है तो इससे अकेले लड़के दिखाओ। ए साहिबा, अरे जा मारे। उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। चलो यहाँ से सिद्धू, चलो ये लो पकड़ो। देखिए ना डॉक्टर, बहुत सारा खून बह गया है। भाई साहब, इन पर किसी ने चाकू से वार किया है। आप लोगों का किसी से झगड़ा हुआ था क्या? ये तो पुलिस केस लगता है। इसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को प्रॉब्लम हो सकती है। भावना, इन्हें बाहर भेजो। डॉक्टर, डॉक्टर, एक मिनट डॉक्टर। मैं यहाँ पिछले 18 महीनों से आता जाता रहा हूँ। मैं यहाँ के मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ डॉक्टर। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने डिपॉजिट नहीं दिया तो आप इनका इलाज शुरू नहीं करेंगे। आप मेरी यह हालत देखकर सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इलाज के पैसे दूंगा कहां से। मुझे बस हॉस्पिटल अकाउंट के डिटेल्स दे दीजिए डॉक्टर। आधे घंटे के अंदर आप जितना कहेंगे मैं पैसा डिपॉजिट कर दूंगा। प्लीज डॉक्टर, इनको एडमिट कर लीजिए डॉक्टर। जितने रुपए कहूंगा जमा करवा दोगे? हाँ करवा दूंगा, करवा दूंगा, करवा दूंगा। हो कौन तुम? बोलो ना, कौन हो तुम? कम से कम ये तो बताओ कि करते क्या हो तुम? बोलो। मैं भिखारी हूं डॉक्टर, भीख मांगता हूं। आई एम अ बेगर। तो जितने रुपए कहूंगा उतने अपनी किडनी बेच कर दोगे क्या? निकलो डॉक्टर, डॉक्टर। Thank you.
हेलो हेलो कौन बोल रहा है सिद्धू हेलो हेलो की चीजें हैं आप अपने पास रखिए यहां बैठा है चल उठ बड़े साहब ने तुझे बाहर बुलाया मैंने क्या किया सर सब पता चल जाएगा चुपचाप चल ठीक है सर ठीक है मैं फोन करता हूँ ओके सर यही है वो सर गाड़ी में बैठ सर 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 मैंने क्या किया तेरे जैसे भिखारी को मैं वजह बताऊंगा क्या भिखारी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की नहीं नहीं सर मैं तो बस टाइम देखना चाहता था इसलिए घड़ी देख रहा था सर मुझे मंदिर जाकर पैसे चढ़ाने हैं सर मैं जो भी कमाता हूँ 11 बजे के पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ाता हूँ प्लीज सर जाने दीजिए भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के बाद तू पुलिस स्टेशन आएगा ना चल बैग उठा चल चल जा चल जा चढ़ावा चढ़ा सिद्धू चल 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 चढ़ा चढ़ावा चल अब मेरे साथ चल इंस्पेक्टर अपना हाथ हटाओ तुम जानते भी हो कौन है ये गार्ड्स एस्कॉर्ट हिम सिद्धो जाओ तुम ओम भूर्भुवः स्वः सर कौन है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सर हमने ट्रीटमेंट कर दिया है अब वो खतरे से बाहर है थैंक यू सिद्धू मैंने एचआर डिपार्टमेंट से सब इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है दे विल टेक केयर सर 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 मुझे पता नहीं था आप कौन है सर मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज सर पिछले 48 दिनों से मैं एक भिखारी था पर मुझे कभी शर्म नहीं आई पर आज मैं एक अमीर आदमी हूं फिर भी मुझे शर्म आ रही है तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे हो मेरी अमीरी से माफी मांग रहे हो इंसान की कदर करो पैसे की नहीं चलो ब्रेकिंग न्यूज मेंटल हॉस्पिटल के स्कैम का पता लगते ही उसके पीछे मुख्य जिम्मेदार राम नाइक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए ये राहत की सांस है और शहर के दूसरे कोने में पुलिस ने माफिया किंग अरुण काले को भी गिरफ्तार कर लिया है काले को दो लोगों से एक बड़े बिजनेसमैन को मारने की सुपारी मिली थी पुलिस का कहना है कि वो दूसरे मुजरिम को भी बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे
उस दूसरे मुजरिम की तलाश में सारे शहर में नाकाबंदी जारी की है। अब तक के लिए बस इतना ही। मुकेश, पुलिस आ रही है, जल्दी चलो, जल्दी भगाओ। अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? जल्दी चला। क्या हुआ मुकेश? साहब, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ए चिंदी बुड्ढे, मारता था मुझे, मारता था। आज मैं तुझे दिखा रहा हूँ, मुझे मारने जा रहा है ना? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए तुझसे कर्ज लिया था, इसीलिए आज तक मैं तुझे झेलता आया हूँ और कुछ बोलता नहीं था। पिछले हफ्ते मैंने तेरा सारा कर्ज चुका दिया, अब मैं तेरे सारे कर्ज का ब्याज दे रहा हूँ। साहब लीजिए अपना चश्मा, पहन लीजिए, पहन लीजिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। साहब ससुराल वाले आए हैं। आप ही प्रकाश है ना? सर ये आदमी मुझे मार रहा है। भी मेरा विश्वास मत तोड़ना, मेरी मां को मुझसे जुदा मत करना। तेरा बेटा तेरे सामने एक भिखारी बनकर खड़ा है मां। तेरा बेटा तुझसे भीख मांग रहा है मां। कम से कम कुछ दिन तो मेरे पास रहने की मुझे भीख दे दो मां। माँ, इस भिखारी पर थोड़ा रहम करो माँ। भगवान के नाम पे रोल दे दा। अभी भी भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हो? ये लो बुढ़ो, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज ना होला। ए भाई, भगवान के ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। निधि, सर ने आपको जूस दिया है। बिंदु जरा एक मिनट पकड़ना। माँ मैं बस अभी आया। हेलो, हाय स्टीफन। बोलो माँ। उस भिखारी को देखा तुमने? नहीं माँ, मैं फोन पर जरूरी बात कर रहा था। हम जरूरी काम में व्यस्त हो सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो मना कर दो। किसी को इंतजार करवाना गलत बात है। एक भिखारी की जिंदगी दुख भरी होती है। एक एक रुपए के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। भगवान किसी को ऐसी जिंदगी ना दे बेटा। हम लोग तो एक दिन भी उनकी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सॉरी माँ। तेरा मैं चाहूं।
गया अब रंग प्यार का चढ़ गया। अरे वो फोटो क्यों डिलीट कर दी? वो पीछे भिखारी की भी फोटो आ गई। अरे तुम उधर क्यों बैठे हो, इधर आओ ना, आओ ना, अब आएगी अच्छी फोटो और कोई भिखारी बीच में नहीं आएगा। तू बस गया अब रंग प्यार का चढ़ गया ये चाहत।